जय हिंद दोस्तों, बीएसएफ ट्रेड्समैन भर्ती 2023 रिटेन एग्जाम एडमिट कार्ड को लेकर दोस्तों यहां पर देख सकते हैं नोटिस जारी कर दिया गया है। यानी दोस्तों फेस टू रिटेन एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए दोस्तों यहां पर नोटिस आ चुका है। जो भी कैंडिडेट फिजिकल क्वालिफाई किए हैं उन सभी कैंडिडेट को यह वीडियो देखना बेहद जरूरी है। दोस्तों आपका रिटन एग्जाम कब होने वाला है और कब से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ए टू जेड जानकारी दोस्तों आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही चेक कर सकते हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, क्योंकि यहां पर जो भी जानकारी आपको दी जाती है बिल्कुल सही और सटीक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कैसे आपको चेक करना है। दोस्तों इस नोटिस वाले ऑप्शन पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। यह नोटिस का लिंक दोस्तों डायरेक्ट पीडीएफ का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं आपको दिया गया है फेस टू के रिटन एग्जाम जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, यहां पर नोटिस यह जारी किया गया। चलिए इसे हिंदी करके हम अच्छा से आपको समझाएं कि आपको अच्छा से समझ में आ जाए, क्योंकि हम हिंदी इसे पहले ही कर चुके हैं। चलिए आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यही है, आपको गृह मंत्रालय द्वारा यह जारी किया गया है। दूसरे चरण का जो एग्जाम होने वाला है जिसका दोस्तों यहाँ पर शेड्यूल दिया गया है, ऊपर में सब कुछ बताया गया है। लेकिन दोस्तों जो आपका रिटन एग्जाम होगा यानी कंप्यूटर आधारित जो टेस्ट होगा वो 28 अगस्त को यहाँ पर पूरे भारत में विभिन्न केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं जो कि दोस्तों यहाँ पर दो नंबर में देख सकते हैं, दूसरे चरण यानी लिखित परीक्षा जो कंप्यूटर आधारित रिटन एग्जाम होने वाला है टेस्ट के लिए, ई प्रवेश पत्र शीघ्र ही लाइव होगा। ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिंक संबंधित उम्मीदवार का जो ईमेल आईडी है उस पर दोस्तों आपको भेज दिया जाएगा या ऑफिशियल साइट पर आपको लिंक भी जारी होगा। यहां पर देख सकते हैं मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपको यहां पर भेजने वाला है बीएसएफ, तो वहां से आप इजीली जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों एक दो दिन में आपका एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएगा, अभी लिंक जारी नहीं हुआ है। दूसरे के अफवाह में मत पड़िएगा कि आपको वीडियो में कुछ और बताया जाएगा कि आपका एडमिट कार्ड आ गया है, ऐसे तो दोस्तों वहां पर अभी एडमिट कार्ड का लिंक नहीं जारी हुआ है और न ही किसी कैंडिडेट का मैसेज भी आया है। क्योंकि दोस्तों मैं भी एक कैंडिडेट हूं, मैं भी फिजिकल निकाल कर पास करके आया हूं, तो दोस्तों मेरे पास भी मैसेज आने वाला है। तो दोस्तों यह खबर कैसी लगी जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। और दोस्तों आपको सबसे बड़ी बात कि अगर आप घर बैठे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए, और दोस्तों आपका कब एग्जाम है ये भी कमेंट करें, क्योंकि वहां से मैं लाइव रिपोर्टिंग आपको करके बताने वाला हूं कि कैसे एग्जाम हो रहा है और कैसा क्वेश्चन आ रहा है। जो कैंडिडेट का रिव्यू होगा आप सभी को लाइव मेरे चैनल पर मिलने वाला है। तो दोस्तों इसी जानकारी के साथ जय हिंद, नमस्कार।